नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो यूट्यूब का जो डार्क थीम है वो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में बात करूंगा कैसे आप यूट्यूब के थीम को हटा सकते हो। तो आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। जैसा कि देखिए, ये जो मेरा यूट्यूब मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर आपको डार्क थीम दिखाई देती होगी। काफ़ी अच्छी भी है, लेकिन कुछ लोग को परेशान भी करती है कि डार्क थीम कैसे हटाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको डार्क थीम कैसे हटाने का एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल सा छोटा सा स्टेप है, उसे आपको फॉलो करना है बस, और आपका डार्क थीम हट जाएगा। जो जैसा आपका पहला था वाइट, सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ डार्क थीम कैसे हटाते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपका जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो राइट साइड ऊपर की साइड जो आपका जो सिंबल दिखता है यूट्यूब चैनल का या यूट्यूब का, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे से थर्ड ऑप्शन आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जनरल, ऑटो प्ले, डाउनलोड्स, वॉच ऑन टीवी, हिस्ट्री वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसके अंदर आपको जनरल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जनरल सेटिंग्स के अंदर ये सारी सेटिंग्स दी होती है। तो दोस्तों, जनरल सेटिंग्स के ओपन करते ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रिमाइंड मी टू ए ब्रेक, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाता है डार्क थीम का। डार्क थीम का जो ऑप्शन है ये एनेबल है। इसको जैसे ही मैं डिसेबल करूँगा वैसे ही ये थीम हट जाएगा। तो देखिए, मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये मेरा जो पहले जैसा यूट्यूब है वो पहले जैसा हो चुका है, जिसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि हम पहले से ही हमेशा से यही यूज़ करते आए हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही आता है कि हम यही यूज़ करें। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं इस तरह के नए नए वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।